अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हजरात, आज का जो मेरा ये वीडियो है ये मैंने इंडियन आर्मी को थैंक्स कहने के लिए बनाया है और आप सब तक ये पैगाम पहुंचाने के लिए बनाया है कि इंडियन आर्मी ने कोविड-19 के इस क्राइसिस में हम सब की किस तरह से मदद की है। अगर हम कश्मीर वैली की बात करते हैं तो एयरफोर्स के साथ मिलकर आर्मी ने 1200 किलो का स्टेरिलाइजेशन केमिकल कश्मीर तक पहुंचाया है एयरलिफ्ट करके। ये स्टेरिलाइजेशन केमिकल यूज किया जाता है सैनिटाइजेशन और डिसइंफेक्शन के लिए। इसके अलावा उधमपुर का कमांड हॉस्पिटल इन्होंने खोल दिया है जहां पर टेस्टिंग भी जारी है और जहां के वार्ड्स को आईसीयू यूनिट्स में तब्दील कर दिया गया है। इसके अलावा इन्होंने अपने सैलरीज में से कंट्रीब्यूट करके 500 करोड़ रुपए पीएम केयर्स फंड में कंट्रीब्यूट किया है। इसके अलावा इन्होंने जगह जगह छोटे छोटे गांवों में जाकर वैली में पहाड़ों के बीच जाकर लोगों के बीच जाकर कोरोना वायरस के बारे में लोगों को अवेयर किया है और प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में समझाया है। यहां तक कि खाने पीने का सामान राशन पानी पहुंचाया है उन लोगों तक जो गरीब हैं, जो डेली वेज पे डिपेंड करते थे उनकी भी मदद की है। और इस सब के अलावा जो इनका जो मेन जो फर्ज है जिसे हम कहते हैं परम कर्तव्य, जो बॉर्डर्स की सिक्योरिटी है, इससे भी वो पीछे नहीं हटे हैं। हमारी हिफाजत करने में ये कभी चूके नहीं है। कल की ही बात है कि इन्होंने एलओसी पे 5 इन्फिल्ट्रेटर्स को मार गिराया है, इसमें अपनी भी जान खो दी है। हमने 5 हमारे सोल्जर्स को, हमारे हीरोज को हमने खो दिया है, वो शहीद हो गए थे हमारी हिफाजत करते करते। जितना हमारी इंडियन आर्मी ने इस क्राइसिस में हमारी मदद की है शायद ही किसी और कंट्री की आर्मी ने लोगों के लिए, सिटीजन्स के लिए इतना किया होगा। सो आई सैल्यूट द इंडियन आर्मी एंड अ बिग थैंक यू फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच।